देखिए रिसेंटली ने पीए सॉन्ग डायरेक्टर मनी रत्नम साहब ने रिवील कर दिया फिल्म भैया दो और बॉलीवुड स्टार को कास्ट किया गया उनका इम्पोर्टेंट रोल है फिल्म में। तो चलाइए जानते हैं उन बॉलीवुड के एक्टरों के बारे में और आखिर उनका रोल क्या है फिल्म में। देखिए बात अब सभी जानते हैं पोनियन सेल्वन फिल्म बनाए कल के कृष्णा मूर्ति द्वारा निर्मित एक नॉवल से, पर क्या आप ये जानते हैं इस नॉवल की राइट कमल हसन ने 1987 में खरीद लिया था और उस समय पीएस वन को बनाने जा रहे थे, मगर समस्या ये थी कि बनाने वाले में सिर्फ अकेले में वही थे और कोई प्रोड्यूसर इस फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार ही नहीं हो रहा था, इसलिए बजट और कास्ट ना मिलने के कारण इस प्रोजेक्ट को कमल हसन ने ठंडे वक्त से बंद कर दिया। खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अगर पीएस वन 1987 ही बंद रहती तो आज हमें पोनियन सेल्वन का दर्शन भी नहीं हो पाता। उस समय बनता था सिर्फ तमिल लैंग्वेज में और वो अब इतने बड़े लेवल पर नहीं बन पाता। और इस चीज को मनी रत्नम साहब ने असल इंटरव्यू में बोला भी है, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ मुझे पीएस वन बनाने का मौका मिला। इतने सालों से कई लोगों ने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की थी मगर आखिर मेरे ही हाथ था ये पोनियन सेल्वन। खैर चले बात है मुद्दे पे। देखिए पीएस वन में दो बॉलीवुड एक्टर और हैं, एक तो अजय देवगन और दूसरे अनिल कपूर, मगर इनका बॉडी पीएस वन में नहीं है, सिर्फ इन दोनों एक्टर का ऑडियो लिया गया फिल्म में। लेकिन मनी रत्नम साहब ने ये बात कंफर्म कर दिया है पोनियन सेल्वन के अगले चैप्टर में अनिल कपूर का तो पता नहीं मगर अजय देवगन का रोल जरूर होने वाला है। और आप तो जानते हैं अजय देवगन पीरियड फिल्म करने में कितने माहिर हैं। इनकी तानाजी फिल्म जो इंडियन सिनेमा की टॉप फिल्मों में से एक है जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी करीब 400 करोड़ कलेक्शन किया था और वो सब पॉसिबल भी हुआ सिर्फ अजय देवगन की परफॉर्मेंस के कारण ही, जो आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। खैर देखिए पोनियन सेल्वन में कोई दो राय नहीं है कि फिल्म 1000 करोड़ से जरा भी कम जाने वाली है। लोग तो ऐसे ही पागल हो रहे 30 तारीख के इंतजार में कब यह फिल्म रिलीज हो जाए और हम चोला साम्राज्य को एक्सप्लोर कर सके। तो देखिए अभी पोनियन सेल्वन के मेकर विक्रम त्रेसा जेम रवि और कार्तिक और डायरेक्टर मनी रत्नम सर कई दिनों से फिल्म के प्रमोशन में लग चुके हैं और सनी मुंबई में ऐश्वर्या बच्चन में ज्वाइन कर लिए कास्ट को और मुंबई से वो लोग दिल्ली जाएंगे और फिर शायद वहाँ से दुबई या यूएस में भी जाएंगे पीएस वन के सारे कास्ट लोग। और फिर इससे भी पोनियन सेल्वन एडवांस बुकिंग कलेक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में और जहाँ कुछ घंटे में 1 करोड़ कलेक्शन हो गया फिल्म एडवांस बुकिंग से, वो भी सिर्फ अमेरिका से ही। जी अमेरिका में रहने वाले इंडियंस लोग भी खूब एक्साइटेड हो गए पीएस सोन को देखने के लिए। और जैसे शुरुआत में ट्रिपल आर फिल्म के साथ हुआ था ना, पहले इंडियंस टूट पड़े थे थिएटर में और फिर धीरे धीरे अमेरिकन भी जाने लगे फिल्म देखने के लिए। अब देखते हैं पोनियन सेल्वन पूरे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट डाल पाती है। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।